सो हेलो गाइज, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माई चैनल ए सी एडुहब। गाइज, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो आपके पास खुले हैं आफ्टर क्लास 12। तो अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ लिया एंड कहीं ना कहीं आपके मन में ये थिंकिंग है जो ऑफकोर्स जो क्लास 10th के बाद जो भी आर्ट्स लेता है या फिर आर्ट्स के लिए सोचता है, हमेशा दिमाग में यही होता है ड्यू टू सोसाइटी प्रेशर, या फिर आप मन में ही कहीं सोच लेते हो कि हम आर्ट्स लेके क्या ही करेंगे, ठीक है, कि एक टीचर से ज़्यादा हम क्या बन लेंगे, क्या कर लेंगे। बट एक चीज है ना, कि वो चीज है कि लैक ऑफ नॉलेज। आपको पता नहीं है कितना कुछ आप कर सकते हो बट आपको उनके बारे में नॉलेज नहीं है। कितने सारे फील्ड्स है, कितने सारे करियर्स है आप बना सकते हो ह्यूमैनिटीज़ को लेकर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हो आफ्टर जब क्लास 12 हो जाएगा, तब आप क्या क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना टू गेट ऑल नोटिफिकेशन, अब बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। यार देखो, अभी आप 12th पास होने वाले हैं एंड कॉलेज में जाने वाले हैं, बट अगर आपके दिमाग में क्लियर नहीं है कि आप क्या करें, या फिर कुछ पर्टिकुलर वही चीज़ सोच रखी है उसके बाहर आपको सोच नहीं पा रहे, ठीक है, कि क्या क्या होता है, तो आज थोड़ा दिमाग खोल के सोचिए। जो भी आपको पता है वो एक साइड में रखिए, जो मैं आज बताऊंगी उसको एक बार ध्यान से देखना, फिर आप एनालाइज करना कि क्या सच में उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, क्या सच में आप ये करना चाहते हो, फिर ही अपना गोल डिसाइड करना। अब देखो, क्लास 12th के बाद आप ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हो फॉर बीए। तो बीए होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है, उसमें दो चीज होती है, एक होता है आपका ऑनर्स कोर्स एंड दूसरा होता है आपका प्रोग्राम, ठीक है। तो बीए ऑनर्स जो होता है इसमें आप क्या करते हो, किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करते हो, एंड प्रोग्राम में आप एक डिसिप्लिन पढ़ते हो, मीन्स उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती, आप सारे सब्जेक्ट से पढ़ रहे होते हो, ठीक है। अब स्पेशलाइजेशन का क्या फ़ायदा होता है ऑनर्स में, ये होता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ रहे हो तो उस सब्जेक्ट में जाके आप कुछ स्पेशलाइज कर सकते हो। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आगे जाके अगर आप पीएचडी करते हो, ये करते हो, तो आप हिस्टोरियन बन सकते हो, है ना। तो या फिर पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो तो पॉलिटिकल एनालिस्ट बन सकते हो। तो ऐसे ही आप अगर ऑनर्स लो तो वो आपका स्पेशलाइजेशन हो रहा है किसी भी एक सब्जेक्ट में, उस चीज़ में अगर आप पॉल साइंस में कर रहे हो, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, किसी में भी कर रहे हो, उसमें वो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट, ठीक है। एंड प्रोग्राम में सारा ही पढ़ना पड़ता है, उसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती। योग्य ऑनर्स कोर्स, प्रोग्राम कोर्स, ये 3 साल के होते हैं। तो 3 साल आपको क्या करना है, बैचलर्स कोर्स करना है, ठीक है, 3 ईयर्स का। अब 3 ईयर्स करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, आपने मान लो 3 ईयर का ग्रेजुएशन कर लिया, अब आपके पास कई सारे रास्ते खुल जाएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हो। पहले तो अगर आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हो तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट है सिविल सर्विस, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो यार आजकल तो सिविल सर्विस का बहुत क्रेज़ है, जो भी आर्ट्स लेते हैं उनके मुँह से एक ही शब्द आपको मिलेगा, दैट आई वॉन्ट टू डू सिविल सर्विस। बट सिविल सर्विस क्या है, देखो इसको हम बहुत लोग कहते हैं कि हमें यूपीएससी करना है, यूपीएससी करना है, बट यूपीएससी नहीं करना है हमें, सिविल सर्विसेज के लिए हम यूपीएससी की एग्ज़ाम देनी होती है, ठीक है। जो यूपीएससी है वो एक कमीशन है, उसके अंडर हर साल एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, वो 3 लेवल में होता है, प्रिलिम्स, मेन्स एंड इंटरव्यू लेवल में। तो उस एग्ज़ाम में जब आपके रैंक्स निकलेंगे तब उस रैंक के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आप IAS बनते हो, IPS बनते हो, IFS बनते हो, जो कार्ड जो आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद कार्डर वगैरह चूज करना होता है। तो अगर सिविल सर्विस आपको करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको, या फिर कोई कंपल्शन नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करें, PhD करें, नहीं। सिविल सर्विस आपसे क्या मांगते हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी कोर्स, ठीक है, चाहे वो आप साइंस से कर लो, चाहे वो आप ह्यूमैनिटीज से कर लो, कॉमर्स से कर लो, आप सिविल सर्विस के लिए जा सकते हो। बट ये एग्ज़ाम जो है कहा जाता है वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम ऑफ इंडिया, बिकॉज इसमें जो टॉपिक्स है ना वो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लेता है, ठीक है। तो उसमें मेन टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है, उसमें मेन टॉपिक्स होते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना वो आपको आर्ट्स में ज़्यादा मिलती है। तो मैं ये नहीं बोल रही कि साइंस करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, नहीं, साइंस से भी टॉपर्स निकल जाते हैं यूपीएससी में, बट ये मैं ये बोलना चाह रही हूँ अगर आप ह्यूमैनिटीज़ करो तो आपको एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि आप वो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो 3 साल में आप मान लो 3 साल में आप थोड़ा थोड़ा यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो अगर आप सिविल सर्विसेज देना चाहते हो, तो इट इज़ वन ऑफ द गुड चॉइस फॉर यू
तो आप सिविल सर्विस कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, आप टीजीटी टीचर्स बन सकते हो। अब देखो टीजीटी टीचर्स क्या होते हैं, जो आपके 6 to 10 जो टीचर्स पढ़ाते हैं स्कूल में, तो वो आप बन सकते हो। तो अगर आप बीए कर रहे हो उसके साथ आपको फिर बीएड करना पड़ता है, फिर एक टीचर्स ट्रेनिंग का वो देना पड़ता है, सीटेट होता है शायद, CTET 2 जो होता है वो देना पड़ता है, उसके बाद आप बन जाते हो एक टीजीटी टीचर। ठीक है, तो वो टीजीटी टीचर भी आप बन सकते हो। एंड अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करें, ठीक है, कि जैसे मान लो आपने ऑनर्स एंड प्रोग्राम किया, बट 12th के बाद आपने कोई कोर्स चूज कर लिया, जैसे कम्युनिकेशन, ठीक है, मास कम्युनिकेशन, बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन, तो उससे आप क्या कर सकते हो, आप जर्नलिस्ट बन सकते हो। तो मैं आप यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज मास कम्युनिकेशन का, ठीक है, जर्नलिज्म कर सकते हो आप। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप किसी रिपोर्टर की फील्ड के लिए या फिर आप जर्नलिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ये कोर्स कर सकते हो तो अप्लाई कर सकते हो फॉर जर्नलिज्म। ठीक है, आप कोई अपना मैगजीन निकाल सकते हो, आप न्यूज़पेपर के लिए एडिटोरियल पेज पे काम कर सकते हो, या फिर आप न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आती है उसके लिए एडिटर, या फिर आप राइटर के हिसाब से काम कर सकते हो, जो प्रेस मीडिया है, ठीक है, जो आपके जो रिपोर्टिंग करते हैं उसके लिए भी आपको मास कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मास कम्युनिकेशन जो कोर्स है वो करने से आप उन फील्ड्स में भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर मास कम्युनिकेशन की जगह फैशन डिजाइनिंग कर रहे होते हो, ठीक है, इसके भी काफी चॉइसेस है फैशन डिजाइनिंग में। इसकी ये करने से भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस रहेंगे, जैसे आप ड्रेस डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, सेलिब्रिटी ड्रेस डिज़ाइन। अब देखो, अब मैं हाई लेवल तक की बात नहीं करती हूँ, बट आप छोटे लेवल में क्या कर सकते हो, अगर आपके पास डिज़ाइनिंग का नॉलेज है, फैशन डिज़ाइनिंग का नॉलेज है, आप फैशन ब्लॉगर बन सकते हो। आप आज के दिन में अगर आप देखोगे, ब्लॉगर्स के बहुत ज़्यादा डिमांड है, एंड मोस्टली फैशन ब्लॉगिंग जो होता है ना, तो ये एक फ्रीलांसिंग कोर्स होता है। ठीक है, ब्लॉगिंग होता है, आप किसी भी साइट पे अपना अकाउंट बनाओ, ब्लॉगस्पॉट हो गया, वर्डप्रेस हो गया, आप डोमेन खरीदो एंड आप अपना साइट शुरू कर सकते हो, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, आपको अगर राइटिंग की पैशन है। ठीक है, तो आप बहुत देखोगे कि जो फैशन ब्लॉगर्स होते हैं ना, वो टॉप पे रहते हैं, उनको मतलब पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, उनकी जो डिमांड्स है वो भी ज़्यादा है। आप फैशन ब्लॉगिंग कर सकते हो अपने लेवल में, ठीक है, या फिर हायर लेवल में चले गए तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर सकते हो, आप और भी ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर छोटे मोटे उसमें आप डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अपने लेवल से भी आप शुरुआत कर सकते हो। ओके, एंड साथ में अगर आप खुद सीख गए, आप दूसरों को सिखा सकते हो, आप टीचर बन सकते हो। ठीक है, कोर्सेज दे सकते हो, प्रोवाइड करा सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज दे सकते हो, टीचिंग, आप अपना कोचिंग सेंटर शुरू कर सकते हो, तो काफ़ी कुछ इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, एंड मास कम्युनिकेशन में भी हो गया, आपने खुद अगर पढ़ा है तो आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो एक तो हर स्ट्रीम के लिए मैं ये बोलूँगी, अगर आप कुछ सीखते हो तो आप दूसरों को भी सिखा सकते हो, है ना, तो ये तो आपके लिए एक हमेशा एक ऑप्शन रहेगा कि आप जो भी सीख रहे हो दूसरों को सिखा दो, तो उसमें भी आपको करियर ऑप्शन है। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ अगर हम अभी बात करें कि आप ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की ये सब कर सकते हो और काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आप पॉलिटिकल साइंस को ले लो, ठीक है, अब हम कोर्स के हिसाब से आए तो पॉल साइंस में भी काफी सोर्सेज है, जैसे पॉल साइंस में, या फिर अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अगर आप ऑनर्स करते हो, ठीक है, आपने ऑनर्स किया, पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज है, तो आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बन सकते हो। ठीक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है उनकी सैलरी भी अच्छी होती है, एंड मेनली जो कंपनीज होती है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड या फिर पॉलिटिकल एनालिटिक्स जिनको चाहिए होता है उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट बनने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज, ठीक है, एनालिटिक करने की नॉलेज, कम्युनिकेशन नॉलेज होना चाहिए। तो आप अगर पॉलिटिकल साइंस में एमए कर लेते हो, पीएचडी कर लेते हो, ठीक है, तो आपका और ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, पॉलिटिकल एनालिस्ट बन सकते हो। बाद में अगर कोई आप हाई पोस्ट में जाते हो, ठीक है, तो आप उसके थ्रू जो है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, यूएन है एंड काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरनेशनली काम करते हैं उसके लिए काम कर सकते हो, साथ में एनजीओ के लिए काम कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा आपके पास चॉइसेस है। ठीक है, एंड अगर आप पॉलिटिकल साइंस लेते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पब्लिक पॉलिसी को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, आप सिविल सर्विसेज के थ्रू जा सकते हो अगर आपको पब्लिक पॉलिसी को लेकर इंटरेस्ट है, एनजीओ के लिए आप काम कर सकते हो। ठीक है, अपना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलकर आप दूसरों को पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी सारे चॉइसेस है। ओके, इसके बाद अगर हम हिस्ट्री की बात करें,
हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आप हिस्टोरियन बन सकते हो. आप पीए जब बीए कर रहे हो हिस्ट्री में ऑनर्स लेके, उसके बाद आप एमए करना, पीएचडी करना. ओके, एंड पीएचडी के बाद क्या होता है ना, यस एक चीज़ आपको जो बतानी थी, अगर आप पीएचडी करते हो तो क्या होता है, पीएचडी करने से आप दो चीज़ें बन सकते हो. एक तो आप लेक्चरर बन सकते हो या फिर प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है, या फिर प्रोफेसर बन सकते हो. एंड साथ में आप क्या कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो. ठीक है, मान लो आपको पढ़ाने में रुचि नहीं है, आप रिसर्च कर सकते हो उस टॉपिक के ऊपर. तो इसमें अगर आप हिस्ट्री ले रहे हो, ऑनर्स कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, उसमें रिसर्च कर रहे हो, तो आप एक हिस्टोरियन भी बन रहे हो. ठीक है, तो एक हिस्ट्री का आपका नॉलेज आ रहा है, हिस्ट्री को लेकर आप स्टडी कर रहे हो. एंड हिस्टोरियंस को क्या करना, अगर आप हिस्टोरियन बन गए उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपको जो भी नॉलेज है, आपको जो भी नॉलेज गेन हो रही, एक्सपीरियंस हो रहा है, उससे आप अपनी बुक लिख सकते हो, पब्लिश करा सकते हो. तो एक और चीज़ आप ये कर सकते हो कि बुक लिख सकते हो, पब्लिश कर सकते हो. ठीक है, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फेम, नेम, पैसा सब मिलने वाला है. ओके, एंड अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पॉलिटिकल एनालिस्ट बन सकते हो, साथ में उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो आप. ठीक है, तो रिसर्च कर सकते हो. तो ऑलरेडी जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, ठीक है, उसमें आप बहुत बड़ा आप योगदान दे सकते हो. ओके, और क्या क्या आप कर सकते हो, आप लॉ कर सकते हो. ठीक है, तो लॉ को कैसे, मैं भूल गई, लॉ तो मुझे पहले बताना चाहिए था. लॉ में क्या होता है ना, दो टाइप के कोर्सेज होते हैं, एक तो 5 ईयर्स वाला कोर्सेज एंड एक 3 ईयर्स वाला कोर्सेज. ठीक है, तो जो 5 ईयर्स वाला कोर्स होता है वो 10+2 का जो है, ठीक है, मीन्स आप 11th 12th भी कर रहे हो, साथ में 3 साल का जो कॉलेज है वो भी कर रहे हो. बट 3 ईयर्स के कोर्स में क्या होता है, आप जब 12th दे देते हो उसके बाद अप्लाई करते हो. ठीक है, बोथ में आपका क्या होगा, एंट्रेंस के थ्रू एग्जाम होगा, जो क्लैट एग्जाम होता है वो आपको देना होता है, एंड उसके बाद आपको मिलता है, कॉलेजेस मिलते हैं उसकी रैंकिंग के हिसाब से. तो क्लैट के एग्जाम देना होता है, अगर आप अभी 12th में हो, 12th आपने कर ली है, तो आप क्लैट के एग्जाम में बैठ सकते हो. उसकी डेट्स देखो कब आ रही है. ठीक है, तो उसके बाद आप क्लैट्स के एग्जाम देकर आप लॉ स्कूल में जा सकते हो, लॉयर बन सकते हो. एंड लॉयर में काफ़ी वो होता है, ठीक है, चॉइसेस, जैसे कॉर्पोरेट लॉयर हो गया, उसके बाद क्रिमिनल लॉयर हो गया, कुछ और जो डिवोर्स केसेस को संभालते हैं वो लॉयर होते हैं. तो काफ़ी केसेस के लिए अलग अलग लॉयर होते हैं, तो आपके पास काफ़ी बड़ा फील्ड है. और जब आप लॉयर बन जाते हो, जब आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद जब हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज तक आप जा सकते हो, तो ठीक है, तो आप सोचो वो कितनी बड़ी बात है. ठीक है, आप अगर लॉ प्रैक्टिस करते हो इंडिया में. एंड उसके बाद ये तो हो गया, हमने लॉ की बात कर ली, अब हम और क्या देख सकते हैं इसमें. आपके पास हो गया फिलॉसफी, तो फिलॉसफी के लिए आप क्या कर सकते हो, आप फिलोसॉफिकल राइटर बन सकते हो. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइटर. अगर आप लोग इसको लाइटली लेते हो तो मैं इसको बोलूँगी लाइटली मत लो. अगर आपको लिखने का शौक है तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो. ठीक है, एक तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, ब्लॉगिंग के थ्रू आजकल काफ़ी पैसा अर्न किया जाता है. ब्लॉगिंग कर सकते हो, या फिर फ्रीलांसिंग में जैसे क्रिएटिव राइटिंग होता है ना, तो आप फ्रीलांसिंग में देख सकते हो काफ़ी क्रिएटिव राइटिंग के भी वो होते हैं. एंड क्रिएटिव राइटिंग के थ्रू अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है और किसी को अगर डिमांड है उस चीज़ की, तो उस चीज़ से आप पैसा कमा सकते हो. इट्स अ करियर ऑल्सो. ठीक है, तो आप राइटिंग को करियर बना सकते हो, आप अपना बुक लिख सकते हो, आप अपनी स्टोरी बुक लिख सकते हो, उसको पब्लिश करा सकते हो. ठीक है, ओके, तो काफ़ी सारे आपके पास चॉइसेस बन जाएंगे. अगर आपको बाय चांस साइड वाइज अगर जैसे एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, जैसे म्यूजिक हो गया, डांस, पेंटिंग, ये सब सब्जेक्ट्स भी होते हैं क्लास 12th में, तो उसके थ्रू भी आप करियर बना सकते हो. ठीक है, आप उसमें अगर मास्टर्स करते हो या फिर आप पीएचडी कर सकते हो, तो उसमें आप तो एक टीचर बन ही सकते हो, एक प्रोफेसर तो बन ही सकते हो. साथ में आप उसको एज अ आप अपना पैशन भी फॉलो कर सकते हो. ठीक है, प्रोग्राम कर सकते हो, परफॉर्मेंस कर सकते हो. अगर आप पेंटिंग करते हो तो उसको आप पेंटिंग करके आप कमर्शियल यूज़ के लिए कर सकते हो. ठीक है, कमर्शियल जो पेंटिंग्स होते हैं बना के आप बेच रहे हो उसको, उसके थ्रू भी काफ़ी सारे हो सकते हैं. तो ठीक है, तो ये भी है. एंड साथ में और कुछ रह गया, तो यस, अगर मैं लेक्चरर या प्रोफेसर की बात करूँ, लेक्चरर या प्रोफेसर, ओके, तो ये देखो प्रोफेसर लेक्चरर का क्या होता है. प्रोफेसर अगर आपको बनना है तो एक एग्ज़ाम होता है, वो है यूजीसी नेट का. ठीक है ना, तो ये नेट क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यूजीसी नेट का एक एग्ज़ाम होता है. अगर आपने मास्टर्स कर ली है किसी सब्जेक्ट में, तो उसके बाद आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो. यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के थ्रू आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो. ठीक है, एंड साथ में अगर आपने मास्टर्स की जगह आपने मास्टर्स के बाद भी पीएचडी कर रखी है, तो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम नहीं
देना पड़ेगा. ये रिसेंट गाइडलाइंस आई थी, बट आपको कुछ उसमें आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. जैसे आपको रेगुलर से करना होगा, दो टीचर के अंडर करना होगा, कुछ ऐसे उसके रूल्स थे. अगर आप लोग PhD कर रहे हो और UGC नेट में, आपको फिर नहीं बैठना पड़ता है, तो ये भी हो सकता है. तो अगर आप मास्टर्स कर ले तो उसके बाद आप UGC नेट के एग्ज़ाम दे सकते हो, आप सिविल सर्विस का भी दे सकते हो, ठीक है. उसके बाद क्लैट, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर ले तो आप क्लैट के एग्ज़ाम दे सकते हो. एंड साथ में जो है आपके SSC वगैरह तो होता रहता है, उसमें भी आप बैठ सकते हो, ठीक है. उसके बाद बात कर लें अगर इकोनॉमिक्स का, अगर आपके पास इकोनॉमिक सब्जेक्ट है तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी बन सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फाइनेंशियल कंसल्टेंट. अब ये क्या होता है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो उसकी भी आपको नॉलेज अगर है तो आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हो. काफ़ी सारे कंपनीज को, काफ़ी सारे लोगों को आप खुद प्राइवेटली भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हो, ठीक है. तो इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना इसमें ज़रूरी है. आपको जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है, मॉनेटरी चीज़ों से रिलेटेड, आपको इसमें नॉलेज की ज़रूरत है. आप बैंकिंग फर्म्स में जा सकते हो, ठीक है. तो इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी ऑप्शन है. इकोनॉमिक्स कॉमर्स के अंडर भी आता है, कि कॉमर्स की स्ट्रीम में भी इकोनॉमिक्स होता है, आर्ट्स में भी होते हैं इकोनॉमिक्स. तो आप अगर दोनों में से आपके पास इकोनॉमिक्स है तो आप ये सब भी कर सकते हो, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हो, किसी कंपनी में इंटर्न दे सकते हो, ठीक है. सिमिलरली अगर आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनना चाहते हो, उसमें भी जो है ना एक्चुअली बैचलर्स के बाद जो पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स निकलते हैं उनकी भी डिमांड काफ़ी होता है, तो आप इंटर्न दे सकते हो उसके लिए. साथ में एक और चीज़ बताऊंगी, आर्ट्स में आप कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस भी पढ़ते हो, है ना. फॉरेन लैंग्वेजेस की भी काफ़ी डिमांड है, तो अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते हो तो उसका भी काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा. जैसे मान लो आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ लिया, तो एक तो आप उसके थ्रू टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, आप पब्लिक पॉलिसी में भी योगदान कर सकते हो. जैसे IFS होता है, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस, उसमें क्या होता है आपको कोई एक लैंग्वेज सीखना पड़ता है, तो आपको लैंग्वेज ऑलरेडी आता है, तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है. या फिर जो होता है ना ट्रांसलेटर्स वगैरह, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो. मान लो हमारे कंट्री में कोई फ्रेंच से आए हैं, ठीक है, और हम तो हिंदी बोलते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं, हमें फ्रेंच कैसे आएगा, तो उसके लिए ट्रांसलेटर रखा जाता है, ठीक है. तो आप ट्रांसलेटर का जॉब कर सकते हो, आप ट्रांसलेटर बन सकते हो, ओके. तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शंस है. तो कुछ एग्ज़ाम्स जैसे हो गए, जैसे मास्टर्स के बाद आप UGC नेट दे सकते हो लेक्चरर वगैरह बनने के लिए. आप अगर UPSC के एग्ज़ाम दे तो आप सिविल सर्विस कर सकते हो. SSC का एग्ज़ाम हो गया, एंड काफ़ी सारे रेलवे वगैरह का बहुत कुछ आपका वो निकलता रहता है एग्ज़ाम, उसको भी देने की ट्राई करना जब 18 हो जाए, ठीक है. तो ऐसे करके काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास रह गए हैं. अब आप ये सोचो कि आपको क्या करना है, ठीक है. तो मुझे पता है ये अभी सफिशियंट नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी फील्ड है, काफ़ी कुछ है. तो अगर हो सके तो मैं इसके सेकेंड पार्ट बना दूंगी. एंड येस, दैट इज़ इट फॉर द वीडियो. अगर इतना समझ आया, इतना पसंद आया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, एंड ऐसे वीडियोज़ और आते रहेंगे. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.